चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, सिक्स तक हमने कर लिया था, सेवन भी हमने कर लिया था। होमवर्क में कौन सा दिया था? नाइन, नाइन हो गया है आपका। और कौन सा दिया था? थर्टीन हो गया। कौन सा नहीं हुआ ये बता दो। हो गए सारे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करते हैं अब, और इनसे बड़े करते हैं, छोटे क्वेश्चन थे। टेंथ नंबर का क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मिस्टर अक्षय इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया फर्निशेज यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम अर्नड इन इंडिया कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। तीन कंट्री की इनकम है, इंडिया भी है, कंट्री एक्स भी और कंट्री वाई भी है। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इंडिया हैज नॉट एंटर्ड इन टू डी टी डबल ए विद दीज टू कंट्रीज। इसका मतलब हमें यूनिलेटरल रिलीफ देनी है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, यहां इंडिया की इनकम दी गई है 7,50,000 रुपीज। एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एक्स की, मतलब फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है, 50,000 रुपीज की ये इनकम दी गई है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री वाई। अब डिविडेंड इनकम मतलब अदर सोर्स की इनकम 1,50,000 ये है। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेसी बुक फ्रॉम कंट्री एक्स, रॉयल्टी की इनकम है लिटरेसी की बुक्स है। 80QQB की जो डिडक्शन मिलती है वो लिटरेसी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर के बुक्स पर ही मिलती है। कोई नॉर्मल जैसे टेक्स्ट बुक स्कूल बुक लिख दी किसी ने तो उस पर नहीं मिलती है। तो लिटरेसी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की ही बुक होनी चाहिए। किस नेचर की बुक नहीं होनी चाहिए, स्कूल की या टेक्स्ट बुक ऐसा कुछ मिल जाए तो उन पर कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलती है। तो ये रॉयल्टी इनकम है कंट्री एक्स की 6 लाख रुपीज। इसी इनकम को अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस किए गए हैं 50,000 रुपीज के, तो नेट इनकम 5,50,000 रुपीज हो गई है। बिजनेस लॉस इन कंट्री एक्स, तो कंट्री एक्स में बिजनेस लॉस है, वाई में है 65,000 रुपीज का। और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कंट्री वाई, कंट्री वाई की हाउस प्रॉपर्टी का रेंट दे रखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं दे रखी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है। म्यूनिसिपल टैक्स इससे रिलेटेड पे किए थे, नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कंट्री वाई, उस कंट्री में इसकी डिडक्शन नहीं मिलती। बट हम ये जो इनकम निकाल रहे हैं कहां के लिए है, इंडिया के लिए। तो जब हम इंडिया की इनकम निकालते हैं तो हम यहां के रूल्स फॉलो करते हैं, उस कंट्री में क्या होता है नहीं होता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई नॉट इलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम एज पर लॉ इन दैट कंट्री, उस कंट्री में क्या करते हैं लॉस वगैरह सेट ऑफ नहीं करने देते। ये उस कंट्री का है, उस कंट्री वाले से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेट ऑफ करने देते तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता, कैसे कि फिर उसकी नेट इनकम निकलती और नेट इनकम कम आ जाती। अभी इस लाइन से हमको क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो उस कंट्री की बात कर रहे हैं, हमें इस कंट्री की इनकम निकालनी है, कैसे अभी देखेंगे भी। द रेट्स ऑफ टैक्स कंट्री एक्स में और वाई में 10% एंड 25% की है, कंप्यूट करनी है टोटल इनकम। चलिए टोटल इनकम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीए फाइनल की बुक में दिया गया है, तो वहां का क्वेश्चन है ये।
एग्जाम में आने के चांसेस भी है इसके। फैन क्यों बंद कर रखा तुम, चालू कर दो इस। ये इतना ही चलता है क्या? अब देखिए यहां पर अलग अलग टाइप ऑफ इनकम्स है और डिफरेंट डिफरेंट हेड्स की भी इनकम है, तो एक एक हेड वाइज अगर अपन चले तो हेड वाइज इनकम निकाल सकते हैं। फर्स्ट हेड जो हमारा आता है दैट इज रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन में कोई भी सैलरी हेड की इनकम है ही नहीं, तो इसलिए इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी निल, जीरो। सेकंड हेड हमारा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम दे रखी है, ये रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखे। इस रेंट को क्या मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल दूं? हाउस प्रॉपर्टी हेड में सबसे पहले निकलती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ये जो रेंट है इसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल रहे हैं, दैट इज 2,40,000 रुपीज। फिर इसमें से हम लेस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। अब जब हम इंडिया में इस इनकम को निकाल रहे हैं तो इंडिया में तो म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ होता है, तो म्यूनिसिपल टैक्स 10,000 रुपीज यहां तो हम लेस करेंगे। नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, टू लैख 30,000। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24 क्लोज ए, जो कि है 30% ऑफ एनएवी। इसके बाद में एक और डिडक्शन लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जो कि यहां पर कुछ भी नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लीजिए कितनी आ गई, 1,61,000। ये भी इनकम आ गई। थर्ड हेड हम निकालेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पीजीबीपी हेड का देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये रहा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया,
इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है जो कि अदर सोर्स में आएगी, डिविडेंड अदर सोर्स में आएगा, रॉयल्टी अदर सोर्सेज में आएगी, बिजनेस लॉस है कंट्री वाई का। तो वो लॉस उस कंट्री में सेट ऑफ नहीं कर सकते, बट इस कंट्री में तो वो वाला लॉस यहाँ की इनकम के साथ हम सेट ऑफ कर ही सकते हैं। तो 65,000 हमने यहाँ सेट ऑफ कर दिया। इसके बाद रेंट और म्युनिसिपल टैक्स है, और कोई अदर इनकम है ही नहीं। सिक्स लैख 85,000 हमारी पीजीबीपी की इनकम आ गई। उसके बाद आएगा नेक्स्ट हेड, फोर्थ हेड आता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन की कोई इनकम है नहीं। फिफ्थ हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम। प्रोफेशन की है एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एक्स की। इनकम है 50,000, ये अदर सोर्स में आ गई। डिविडेंड रिसीव्ड है कंट्री वाई से। तो डिविडेंड का अमाउंट क्या है? डिविडेंड का है 1,50,000, और ये सब ग्रॉस है और हमको ग्रॉस ही लेने होते हैं। कभी इनमें से कोई टैक्स कटा हुआ हो तो वो हटाना पड़ेगा। रॉयल्टी इनकम है 6 लाख की। एक्सपेंस इनकर हुए हैं इसी रॉयल्टी इनकम को अर्न करने के लिए 50,000 के। सारी इनकम्स का नेट टोटल कर दे, अदर सोर्स का कितना आया? 7,50,000। सारे हेड हो चुके हैं, तो अब जो इनकम आएगी इसे हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लीजिए कितनी आई है। तो ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है 15,96,000। क्या कोई ऐसी चीज थी जिसका डिडक्शन मिलना चाहिए? कौन सी चीज है जिसका डिडक्शन मिलेगा? रॉयल्टी का। कौन से सेक्शन में? क्यू क्यू बी में। तो इसमें से लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 क्यू क्यू बी। ₹3 लाख का।
इसके बाद निकल जाएगी हमारी टोटल इनकम 12,96,000, इस पर टैक्स निकाल लीजिए। इसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना आ रहा है 12,96,000। इसके बाद में हमारा निकल जाएगा टोटल टैक्स, इसमें से हम लेस करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अब रिलीफ दो दो कंट्री की अलग अलग करेंगे, कंट्री एक्स की रिलीफ और कंट्री वाई की रिलीफ। रिलीफ निकालने का ट्राई करिए, बताइए क्या आती है एक्स की रिलीफ। कंट्री एक्स की रिलीफ निकालने का ट्राई करेंगे सभी लोग, क्या रिलीफ आती है बताइए। कंट्री एक्स में टैक्स की रेट क्या है? टैक्स की रेट 10% है कंट्री एक्स के अंदर। हाँ जी, निकल गया किसी का? रिलीफ निकालने के लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट। फर्स्ट बनेगा वन, कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ फॉर कंट्री एक्स। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें पहला पॉइंट आएगा एवरेज टैक्स रेट एंड सेकेंड पॉइंट आएगा टैक्स रेट इन कंट्री एक्स। एवरेज टैक्स रेट निकाल लेते हैं, टू लैख 9,352 का टैक्स बना है, टोटल 12,96,000 की इनकम पर। सभी का यही आ रहा है, चेक कर लेना।
लीस्ट आएगा इसमें 10%, रिलीफ अंडर सेक्शन 91। इसके लिए हमको चाहिए होगी पहले डबल टैक्स्ड इनकम, तो कंट्री एक्स की इनकम्स देखी जाए तो इनकम कितनी है कंट्री एक्स में। फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी की तो कंट्री वाई की थी, नहीं कंट्री वाई की है। प्रोफेशन में वाई है, अदर सोर्स में दिख रहा है कंट्री एक्स का। एक तो 50,000 की एग्रीकल्चर इनकम, 6 लाख की रॉयल्टी इनकम, तो 50,000 की तो एग्रीकल्चर इनकम है प्लस 6 लाख की रॉयल्टी इनकम है, जिसको अर्न करने में 50,000 का एक्सपेंस हो गया है एंड इसी इनकम पर 3 लाख का डिडक्शन भी मिल गया है। तो डबल टैक्स्ड इनकम हमारी आ गई है 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज इज आर डबल टैक्स्ड इनकम और इसका हम करेंगे 10%, तो ये 30,000 रुपीज जो है हमारा निकल करके आ जाता है कंट्री एक्स की रिलीफ में। चलिए अब आप लोग निकालेंगे कंट्री वाई की रिलीफ क्या आती है। हाँ जी क्या निकला। सेकंड वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले टैक्स रेट देखते हैं। एवरेज टैक्स रेट 16.15। और टैक्स रेट इन कंट्री वाई में टैक्स रेट कितनी है 25% की। लीस्ट 16.15%। अब हमें निकालनी है रिलीफ। अंडर सेक्शन 91 इसके लिए हमें चाहिए होगी डबल टैक्स्ड इनकम। डबल टैक्स्ड इनकम देखिए क्या होगी। तो कंट्री वाई के लिए हम देखते हैं कौन कौन सी। एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जो कि 1,61,000 आई थी। एक तो ये इनकम हो गई,
एक 1,50,000 डिविडेंड की इनकम है। और एक इनका लॉस है जिस पर यहां टैक्स लगा ही नहीं है, तो वो डबल टैक्स हो नहीं सकता, उसको तो हमने सेट ऑफ कर लिया है। वो लॉस है 65,000 का। तो देखिए कितनी डबल टैक्स इनकम, 2,46,000, 2,46,000 का 16.15%। दोनों का टोटल कर देंगे, 69,739 की हमें रिलीफ मिल गई है। इसके बाद टैक्स पेबल निकल जाए कितना निकलेगा, 10,000 निकल जाएगा। सभी लोग सॉल्व कर ले, किसी का कोई डाउट हो तो बता दे इसमें। हाँ जी, ऑनलाइन में सॉल्व कर लिया है क्या सभी ने, बता दे। कुछ बच्चे ऐसे भी भाई जो क्लास के बीच में आते, क्या मतलब है उसका। अगर आप टैक्स रेट को दूसरी वाली को अगर एग्जैक्ट लेते हैं, 154 लेते हैं, तो थोड़ा सा 5-10-20 रुपए का फर्क आ सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है इस सच। रॉयल्टी, हाँ, एक्सपेंस पे तो कोई लिमिट नहीं, डिडक्शन पे फिर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा है यहां पर, और 139613 जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 610 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना आपने, कल दिया था मैंने, कंट्री टी वाला था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आपके होमवर्क में है, अभी जो कराया वही सेम क्वेश्चन है 17। ठीक है, बिल्कुल सेम सा ही क्वेश्चन है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, वो तो माइनर। तो 17 इज इन योर होमवर्क, इसमें अलग अलग पार्ट बना करके पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन, आप इजीली कर पाएंगे। हम जो कर रहे हैं वो इससे लास्ट वाला 16 क्वेश्चन स्टार्ट करिए, 15 स्टार्ट करिए सॉल्व करना। हेड वाइज भी कर सकते हैं आप, विदाउट हेड वाइज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखी, इट मींस हमें कैलकुलेट नहीं करना, सब कैलकुलेट करके दे रखा है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा होता देन वी नीड टू कैलकुलेट।
तो सबसे पहले तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले लेंगे 2,50,000 रुपीज की, और ये कंट्री एम की है। फिर बिजनेस इनकम है और अदर इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी की कोई और इनकम है क्या? देखो ये रही नीचे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो सेकंड इनकम ये ले लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो फर्स्ट इनकम इज 2,50,000, सेकंड इनकम 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई है। एडवाइज अपन नहीं कर रहे हैं, बट सिस्टमेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट हेड की तरफ बढ़िए, बिजनेस हेड। पीजीबीपी हेड की हमको कौन सी इनकम दिख रही है? एक तो सेकंड लाइन में ही है, बिजनेस इन इंडिया और बिजनेस इन कंट्री एम, तो दो इनकम सही है जो कि बिजनेस की है। कैपिटल गेन यहां पर कुछ है नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज हेड की इनकम देखो कौन कौन सी है। एक तो डिविडेंड दिख रहा है कंट्री एम से, रॉयल्टी भी है कंट्री एम से, और कोई इनकम है क्या? देखिए इन सारी इनकम्स को नहीं, आगे तो कुछ है नहीं, तो टोटल कर लो, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट, अब ग्रॉस टोटल इनकम के बाद बात आती है डिडक्शंस की। डिडक्शंस में डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, 100% डिडक्शन मिलती है इसकी 80G के अंदर। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, 100%। देन मेडिकल एक्सपेंस फॉर इज मदर एज्ड 85, मदर पे मेडिकल एक्सपेंडिचर किए हैं। देखिए 80D सेक्शन में दो टाइप के एक्सपेंस की डिडक्शन मिलती है, एक तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की और एक मेडिकल एक्सपेंडिचर की। अगर इंश्योरेंस हो रखा होता है, मैं हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, देन हमें एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलती है। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं हो रखा हो और कोई असेसी अपने पेरेंट्स पर खर्चा कर रहा हो, तो उसे मेडिकल एक्सपेंस की भी डिडक्शन मिल जाती है, और लिमिट उसकी 50,000 रुपीज ही होती है, मैक्सिमम लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। तो 80D में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, मेडिकल एक्सपेंस फॉर मदर। टोटल इनकम निकाल के टैक्स निकाल ले, टोटल कितना आ रहा है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालिए क्या आई है।
टैक्स कितना बना? 475800, यही बन रहा है? नहीं, 473200। टोटल इनकम कितनी आई है? 21,50,000। ठीक है, 473200 का टैक्स बनेगा 473200 डिवाइड बाय 22 लाख, 21,50,000। 22% इज द एवरेज टैक्स रेट। तो अप टू 10 लाख 1,12,500 का टैक्स, और उसके बाद में जो बचा 10 लाख के बाद में कितना बचा? हाँ, ये सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। एज कितनी है? 61। अप टू 3 लाख नो टैक्स, फिर 3 to 5 वही 5%, 5 to 10 वही 20%, और 10 to जो भी इनकम है वहां तक 21,50,000 तक 30%। तो टैक्स जो आएगा वो 4,73,200 आएगा। एंड यहां पर हमको फर्स्ट में ही दे रखा है एज इज 61 ईयर्स। तो एवरेज टैक्स रेट 473,200 डिवाइड बाय 21,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब अपनी सेकंड थिंग आती है कंट्री एम के लिए। कंट्री एम के लिए टैक्स रेट कैसे निकालेंगे? तो अब यहां पर देखिए, कंट्री एम के लिए टैक्स रेट बोल रखी है सर 20%, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं देते हो। नीचे एक नोट है, ही डिस्प्यूटेड रॉयल्टी इनकम इन कंट्री एम। उसने डिस्प्यूट करा बट टैक्स भी पे कर दिया उस इनकम पर। आफ्टर द अपील वॉज डिसाइडेड बाय द अपीलेट अथॉरिटी, रॉयल्टी इनकम पर जो टैक्स चार्ज किया गया वो कंसेशनल था, 15% था। ठीक है, मतलब इसने रॉयल्टी इनकम पर तो 15% टैक्स पे किया है और अदर इनकम्स पर 20% टैक्स पे किया है। अब फॉरेन कंट्री में दो दो टैक्स रेट है, तो अब इस सिचुएशन में क्या करें? पहले हम टैक्स निकाल लेते हैं दोनों, फिर उसका एवरेज कर लेंगे। तो अगर मैं कंट्री एम की बात करूं, तो कंट्री एम में एक तो टैक्स निकलेगा रॉयल्टी पर, एंड एक टैक्स निकलेगा टैक्स ऑन अदर इनकम। अब देखिए, यहां पर एक चीज आएगी कि रॉयल्टी इनकम हुई है कंट्री एम से, तो इसका 80QQB में डिडक्शन देंगे या नहीं देंगे? तो देखिए, इसका डिडक्शन हम नहीं देंगे। पहली बात तो यहां पर यह बात क्लियर नहीं है कि रॉयल्टी जो है वो है किसकी। क्या यह साइंटिफिक आर्टिस्टिक लिटरेसी बुक्स की है या नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर नहीं है, क्योंकि 80QQ भी तो तभी डिडक्शन देता है, यहां पर अज्यूम किया गया है। दूसरा, यहां पर देखिए कि इनकम भी डिस्प्यूटेड है। वहां पर एक और चीज जो प्रोविजन में बताई जाती है, प्रोविजन ये बोलता है कि आपको विदिन 6 मंथ्स रॉयल्टी इनकम इंडिया में लेकर के आनी पड़ती है इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80QQB। मतलब अगर आपको 80QQB का डिडक्शन चाहिए ऑन फॉरेन रॉयल्टी, तो आपको विदिन 6 मंथ्स रॉयल्टी इनकम लेकर के आनी पड़ती है जब भी आपने अर्न करी। अब यहां पर देखो, वैसे एज सच कोई डेट दे नहीं रखी, ठीक है। दूसरी बात हम यहां पर देखें तो डिस्प्यूट भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तीसरी बात, यहां पर यही क्लियर नहीं है कि रॉयल्टी है कौन सी वाली, तो इस वजह से हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टडी मैट ने भी यही फॉलो करा है हमारे, तो इस वजह से हम भी यही फॉलो करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अपन कंट्री दूसरी कंट्री के लिए टैक्स रेट निकाले। एक तो टैक्स ऑन रॉयल्टी बनेगा, रॉयल्टी की कितनी इनकम है? रॉयल्टी की कितनी इनकम है?
4 लाख का कितना परसेंट? 15%, 60,000। टैक्स ऑन अदर इनकम, अदर इनकम पर टैक्स, तो अदर इनकम बची कितनी है आप बताइए। देखिए दूसरी कंट्री से कितनी इनकम है अदर, और कौन कौन सी इनकम है अदर कंट्री से। तो कंट्री एम से देखें तो एक तो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की 2,50,000, और ये इनकम है 2,04,50,000, और कोई इनकम है क्या? डिविडेंड 1,00,000, 5,50,000, एंड इसके लिए हमको टैक्स रेट बोली गई है 20% की। तो यहां पर जो टैक्स बना वो 1,70,000 का बन गया। अब टैक्स रेट निकालते हैं कंट्री एम के लिए, कंट्री एम का 1,70,000 का टैक्स कितनी इनकम पर बना? 9,50,000 पर। कितना परसेंट आ रहा है? 17.89%। तो ये तो आ गया कंट्री एम का, और इंडिया का कितना था? 22। दोनों में से लीस्ट क्या है? 17.89 पर रिलीफ दे दीजिए। डबल टैक्स इनकम कितनी है? पूरी है, यहां पर तो कोई डिडक्शन भी नहीं मिला है। तो 9,50,000 का 17.89%। कितना आ रहा है? वही 170 आ जाएगा, क्योंकि यही तो निकला है। तो 950 का 17.89 करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा। डबल टैक्स इनकम कितनी है? 9,50,000। और लीस्ट टैक्स रेट कितनी है? इंडिया की कितनी है? 22। और फॉरेन की कितनी है? 17.89। तो दोनों में से लीस्ट क्या आई? 17.89। और 950 का 17.89 करूंगा, वापस से वही 1,70,000 आ जाएगा। एवरेज टैक्स रेट 22%, टैक्स रेट इन एम 17.89%, दोनों में से लीस्ट आइए 17.89%। तो 170 की रिलीफ दे देंगे जो भी टैक्स बना था उसमें से। तो कितना टैक्स पेबल आ जाएगा? 303,200। ठीक है, 303,200। चलिए आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूं। एक तो मैंने आपको ये नेक्स्ट वाला दे दिया था, कौन सा दिया था? 17 दिया था। ये 16 भी आप कर सकते हैं ट्राई। ये 19 करना, इसमें मिस्टेक भी है, मैं आपको बता दूं पहले, क्योंकि ये एमटीपी से लिया हुआ है, एमटीपी में ही मिस्टेक थी कहीं पर, तो यार टैक्स वैक्स में मिस्टेक हो सकती है इसकी। तो करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 19 करना है, 20 भी करना है, 19 एंड 20, और इससे पहले 17, 16, 17, 19, 20, और 18 भी कर लेना बीच में, तो सारा ही हो जाएगा। कंसेप्ट तो कुछ नया है नहीं उसमें। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, फिर डीटीडब्ल्यूए को खत्म करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।